संरक्षण परिषद उज्जैन द्वारा मध्य प्रदेश में स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। मानवाधिकार संरक्षण परिषद के संभागीय अध्यक्ष श्री हरेंद्र खत्री के अनुसार आदिम जाति कल्याण विभाग सावेर रोड उज्जैन के पोस्ट मैट्रिक एवं प्री मैट्रिक छात्रावासों में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मानवाधिकार के बारे में बच्चों को जानकारी दी गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि श्री हरेंद्र खत्री एवं मानवाधिकार संरक्षण परिषद के पदाधिकारी श्री अनोखी लाल भारती, श्री लक्ष्मी नारायण मीणा, श्री दीप चंद जटवा, श्री महेंद्र कोरिया, श्री राजेंद्र परिहार जी एवं छात्रावासों के अधीक्षक एवं अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम में बच्चों द्वारा सुंदर निबंध प्रतियोगिता एवं वाद विवाद प्रतियोगिता के माध्यम से अपनी विलक्षण क्षमता को प्रदर्शित किया। वही मानवाधिकार संरक्षण परिषद के पदाधिकारियों द्वारा बच्चों को पुरस्कार स्वरूप गिफ्ट पैक प्रदान किए गए एवं बच्चों को मध्य प्रदेश के इतिहास से अवगत कराते हुए उन्हें संपूर्ण विकास में योगदान के लिए प्रेरित किया गया। मानव अधिकार संरक्षण प्रदेश परिषद का संभागीय अध्यक्ष और आज यहाँ प्री मैट्रिक पोस्ट मैट्रिक छात्रावास द्वारा जो संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश स्थापना दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया उसकी सराहना करता हूँ, क्योंकि ऐसे कार्यक्रम हमारे बच्चों को विकास में बहुत मदद करते हैं। उन्हें सामान्य जानकारियाँ भी उपलब्ध होती हैं कि हमारा प्रदेश कब गठित हुआ, हमारे मुख्यमंत्री कौन थे, ये सारी जानकारियाँ तो मिलती हैं। उनके अंदर एक उत्साह जागृत होता है जिससे वो कुछ प्रेरणा स्रोतों से प्रेरणा लेकर अपने आप को उसी दिशा में विकसित कर सके, और इसी विचारधारा को लेकर ये जो कार्यक्रम का आयोजन किया बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम था, और मैं अपने आप को यहाँ पाकर अभिभूत महसूस कर रहा हूँ। और मेरे वरिष्ठ साथी श्री भारती जी वो भी अपना वो संदेश देना चाहेंगे, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि वो भी संदेश दें।